हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकेजी क्लासेस। टुडे वी आर स्टार्ट क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। जैसे कि लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का यहाँ पे यूट्यूब पर था, तो उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में उसका पूरा बेसिक फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं थे, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो चैप्टर 5 है आपका, उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एरिथमेटिक जो प्रोग्रेशंस होता है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो होता है, तो मैंने लिख दिया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस फॉर्म में होता है a1, a2, a3 एंड सो वन an, जहां पर किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द लास्ट टर्म an। ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, ये ऑलवेज टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू चलते आता है। मीन्स प्रीसेडिंग टर्म एडिशंस ऑफ द पर्टिकुलर टर्म, मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ऑलवेज टाइम प्रीसेडिंग टर्म मतलब पीछे वाली टर्म में किसी भी पर्टिकुलर फिक्स नंबर को ऐड करके सक्सेसिंग टर्म मतलब आगे वाली टर्म को बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज टाइम इक्वल और सेम। मतलब क्या हो गया कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टू कंसेक्यूटिव टर्म मतलब दो पास वाली टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज टाइम क्या होता है बेटा, सेम होता है। बस एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में सबसे फर्स्ट कंडीशन हमको यही अप्लाई करना है कि गिवन सीरीज आर इन एपी, गिवन सीरीज एपी में है क्या, यस और नो। सर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि किसी भी टू टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उन्हीं टू टर्म के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी से, जैसे कि फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड सो वन, लास्ट टर्म क्या हो गया बेटा आपके an, और इस an को बोला जाता है nth टर्म, मींस सबसे लास्ट वाली टर्म, और सबसे लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, an से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है d से, जो कॉमन डिफरेंस d होता है ना। कैसे फाइंड करते हैं पे, तो कॉमन डिफरेंस ये बोलते हैं पे कि टू कंसेक्यूटिव टर्म सक्सेसिंग टर्म में से प्रीसेडिंग टर्म को माइनस करना है, मींस a2 माइनस a1, या तो हम क्या लिख सकते हैं पे इसको a3 माइनस a2, ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा a3 माइनस a2 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, मीन्स किसी भी टू टर्म का कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो गिवन सीरीज आपकी एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, तो एपी सीरीज का जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट टर्म a1 को रिप्रेजेंट किया जाता है a से, सेकेंड टर्म a2 को रिप्रेजेंट किया जाता है a+d से, मीन्स प्रीसेडिंग टर्म में हमने किसको ऐड कर दिया, देखो प्रीसेडिंग टर्म ए है तो ए लिख दिया, एंड उसमें ऐड किसको कर दिया, कॉमन डिफरेंस, मतलब आगे वाली टर्म बनाने के लिए ऑलवेज टाइम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाना है, तो आगे वाली कंटिन्यू टर्म बनते जाएगी। जैसे कि हम a3 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो a3 को क्या लिख सकते हैं आप, a+2d, देखो a+d में हमने डी को प्लस किया, तो कितना हो गया a+2d हो गया। नेक्स्ट वाला a4 यदि बनाना चाहे, तो a4 को क्या लिख सकते हैं हम, a+3d लिख सकते हैं। तो सर इसी टाइप से यदि हम लिखना चाहें, तो सर यदि a10 को रिप्रेजेंट करना हो, तो a10 को हम वापस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे 4 था बेटा, तो यहाँ पर हमने कितना लिखा, 3d लिखा, a और d तो आपका सेम ही है, तो a10 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, a+9d लिख देंगे। ओके सर, यदि 100th टर्म के लिए लिखना हो, तो हमने 100th टर्म को बोल देंगे यहाँ पे a100, और a100 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a+99d के इक्वल हो जाएगी। ये मैंने क्या लोग बताया आप लोगों को, एपी सीरीज का जनरल फॉर्म, एपी सीरीज की जो जनरल टर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है, जहां पर
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी का होना जरूरी है। यदि हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म मतलब सबसे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, सबसे लास्ट वाला टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमने क्यों लिखा बेटा, ये फॉर्मूला इसलिए लिखा कि जब हम nth टर्म की बात करते हैं तो nth टर्म के पहले कौन सी टर्म आती है, एन माइनस वन, यही आता है ना nth टर्म के पहले, तो nth टर्म के पहले आता है एन माइनस वन। देखो तो हमने क्या लिखा, सभी के पैटर्न जैसा वही का वही ए प्लस, हमने क्या कर दिया एन माइनस वन मतलब इसके पीछे वाली टर्म, तो n माइनस वन में d को प्लस कर दिया, तो कितना आ गया a प्लस n माइनस वन d आ जाएगा। ओके ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सेकंड जितने भी चैप्टर के एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, सर सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी पर्टिकुलर एपी सीरीज की फर्स्ट एन टर्म का सम जो होता है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल एन टू एन डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फॉर्मूला आप लोगों को ये भी बताया होगा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब उस एपी सीरीज की एन टर्म का सम निकालना या फिर टोटल निकालना। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब टोटल करना होता है पे, और जब भी सम का फॉर्मूला निकालेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं पे, एस एन से, एस मतलब सम होता है और एन का मीनिंग होता है फर्स्ट एन टर्म का सम। ओके और इसी को नेक्स्ट टाइम क्या लिख सकते हैं पे, इसको सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल एन टू एन बाय टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये ऐसा क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि जब क्वेश्चन में हमारे पास सबसे लास्ट टर्म गिवन हो तो उसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना सर, जैसे देखो प्रीवियस वाला फॉर्मूला है ना फर्स्ट वाला टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके यदि अंदर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एन बाय टू ब्रेकेट के अंदर टू ए को क्या लिख दिया ए प्लस ए ब्रेकेट प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस वन डी, इसको लिख सकते हैं ना, देखो मैंने टी टू ए को क्या लिख दिया ए प्लस ए लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया उसको। ओके तो वहां पर ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ए प्लस एन माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी ए एन के इक्वल बन जाएगा। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला यही ना बॉक्स वाला, तो उसकी प्लेस पे हमने क्या कर दिया एन बाय टू ए प्लस उस अंडरलाइन के नीचे क्या लिख दिया हमने एन लिख दिया। तो या तो ये वाला भी पुटअप कर सकते हो सम फाइंड करने के लिए, या फिर सेकंड फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हो, बट कंडीशंस क्या है, जब क्वेश्चन में आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो ए एन तो सेकंड वाला लगाना, लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो कौन सा लगाना, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगा सकते। ओके और इधर यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ तो ये एन किसका फॉर्मूला है, सर एन सबसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एपी सीरीज की, जब भी हम सबसे लास्ट वाली टर्म फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम देखते हैं एपी सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन लिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या हमारे यहाँ पे कि द गिवन सीरीज आर इन एपी, ये दोनों में से गिवन सीरीज एपी में है क्या, हमको सबसे फर्स्ट ये चेक करके बताना है। जैसे कि फर्स्ट सीरीज हमारे पास है 1, 3, 5 एंड सो 127, ये गिवन सीरीज एपी में है क्या ये चेक करेंगे। नेक्स्ट वाली सीरीज भी है 2, 4, 8, 16 एंड सो 1, ये दोनों सीरीज सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या फिर नहीं है। इसके बाद में हमको एक और क्वेश्चन बोल रहा है इसके साथ साथ कि यदि ये सीरीज आपकी एपी में हो देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। यदि ये दोनों सीरीज चेक करेंगे हम कि यदि एपी में है या फिर नहीं है, एपी में यदि ये सीरीज हो तो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको डी, और इसके साथ साथ हमको बोल रहे कि इसके आगे वाली तीन टर्म और निकाल के बताओ। आगे वाली तीन टर्म कौन कौन सी हो जाएगी ये निकाल के देखेंगे, और ये क्वेश्चन में बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये चीजें भी हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट चेक करते हैं कि ये एपी में है या फिर नहीं है। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई ए वन, सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी ए टू, थर्ड टर्म कितनी हो गई ए थ्री, और सबसे लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास ए एन हो जाएगी। ओके अब चेक करते हैं एपी में चेक करने के लिए रूल क्या था हमारे पास कि सर टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, तो फर्स्ट वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला डिफरेंस हम लोगों के पास हो जाएगा थ्री माइनस वन, और थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा आप लोगों के पास टू आ जाएगा।
ओके तो फर्स्ट डिफरेंस कितना आया, 2 आया। लेकिन सर सेकंड और चेक करो, तो सेकंड डिफरेंस चेक करेंगे तो सेकंड डिफरेंस कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2 एंड वी पुट अप द वैल्यू ऑफ a3 एंड a2 इज 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 आ जाएगा। देखो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो फर्स्ट डिफरेंस भी 2, सेकंड डिफरेंस भी 2 है, मींस ये जो गिवन सीरीज है ये गिवन सीरीज किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में। अब एपी के फॉर्म में है तो उसने 3 क्वेश्चंस बोल रहा है यहाँ पे, क्या क्या बोल रहा है चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गया, कैसे डायरेक्ट हो गया सर, कॉमन डिफरेंस तो हमने अभी निकाला, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोलना चाहते हैं आप कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की आगे वाली 3 टर्म निकाल के बताओ, आगे वाली 3 टर्म कौन कौन सी होगी। देखो यहाँ पे एपी सीरीज कौन कौन सी है, a1 a2 a3, A1, A2, A3 तक आ गए, इसके आगे बनाना चाहोगे तो कौन कौन सी बन जाएगी सर, नेक्स्ट वाली टर्म बन जाएगी A4, A5, कितना A6, ये 3 टर्म निकालना है। तो सर तीनों टर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो तीनों टर्म का जनरल फॉर्म यदि हम बताना चाहें तो A4 का जनरल फॉर्म होता है A+3D, ओके यही लिख सकता हूं मैं यहां पे, तो A+3D लिख दिया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमने A की वैल्यू पुट अप कर दी, कितनी है A की प्लेस, तो सर फर्स्ट टर्म A1 को ही क्या बोला जाता है, A बोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म A की प्लेस पे कितना लिख दिया, 1+3 मल्टीप्लाई बाय D की प्लेस पे कितना लिख दो, 3 की प्लेस पे 2 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, मींस A4 कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। A5 निकाले क्या, यस सर A5 निकालो, तो A5 को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, A+4D। जब भी किसी पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो उससे एक नंबर माइनस करके लिखना है। देखो 5 तो तुमने क्या लिखा, 4D लिखा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, A की प्लेस पे 1+, यहाँ पे D की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इक्वेलेंट टू 9। नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी बन जाएगी, A6, और A6 कितना हम लोगों के पास, A+5D, वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1+10, और 1+10 कितना हो गया, 11 हो गया। फाइंड कर दी ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, इसमें हमको एक और क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सर ये बताओ कि इस एपी सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म है। अब सर टोटल कितनी टर्म, हम काउंट करने थोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इजी यहाँ पे है, एपी सीरीज छोटी सी सीरीज है तो बोल दिया हमने कितनी है। सर बाय द वे यहाँ पे आ जाता कितना, सर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता 333, या तो आ जाता 2022, ऐसा कुछ आ जाता कि इतनी सीरीज आ रही है, तो उस कंडीशन में हम उसको काउंट करने नहीं जाते। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सर लास्ट टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है a n = a + n - 1 d। देखो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है ना, और लास्ट टर्म को क्या हो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, a n से, और उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 27, तो हमने a n का फॉर्मूला लगा दिया, तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a n - 1 d, ओके। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, हमारी नंबर ऑफ टर्म फाइंड हो जाएगी। कैसे, देखो a n की प्लेस पे कितना पुट अप कर दो, 27 इक्वलेंट टू a की प्लेस पे 1+ n - 1, n की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो n - 1, और d की प्लेस पे कितना रख दो, 2 रख दो, ठीक है। ये प्लस वाला 1 कहां चले गया, माइनस में, तो प्लस वाला 1 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा, 26 इक्वलेंट टू n - 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, ओके। अब ये मल्टीप्लीकेशंस वाला 2 कहाँ चला आएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो वो बन जाएगा 26 / 2 इज इक्वलेंट टू n - 1, और जैसे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 इक्वलेंट टू n - 1, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, मीन्स n की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी बेटा, 14 आ जाएगी। मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आप लोगों के पास, 14 टर्म है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमारे पास गिवन थी, नेक्स्ट वाली 3 टर्म हमने फाइंड कर ली, A4, A5, A6, और हमने ये भी देख लिया कि इसमें टोटल कितनी टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 14 निकाल दी। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 8, 16 आर इन एपी, ये सीरीज एपी में है क्या, सर यदि एपी में हो तो इसके लिए भी सॉल्व करके बताओ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड फाइंड द लास्ट टर्म, सारी चीज़ें बोल रहा है, क्या क्या निकाल। लेकिन सर सबसे पहले ये चेक करो कि ये एपी में है क्या, ये एपी में हो तभी हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। तो सर एपी में चेक करेंगे तो आपने हमको यही बताया कि एपी में चेक करने के लिए देखो फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म कितनी हो गई A3, और नेक्स्ट वाली टर्म A4 हो जाएगी।
बट कॉमन डिफरेंस सर सेम है क्या? चेक करो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी से। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन, और ए टू माइनस ए वन कितना आ गया, तो सर ये हो जाएगा फोर माइनस टू, तो फोर माइनस टू कितना आ गया आप लोगों के पास, टू आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आप लोगों के पास, टू आ गया। बट सर सेकंड कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो देखो डी से, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है, एपी सीरीज का ऑलवेज टाइम सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज टाइम सेम होता है, ये चीजें याद रखना। ओके देखो, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, a3 थ्री माइनस ए टू। अब a3 और a2 की वैल्यू यदि हम पुट करें तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस फोर, और 8 माइनस फोर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस 2 है एंड सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। मतलब ये जो आपकी गिवन सीरीज है, ये गिवन सीरीज ap में नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, therefore the given series are not an AP, ये given series आपकी AP में नहीं है। तो सर AP में नहीं है तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि AP में हो तो ही सॉल्व कर पाते। ओके इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज टाइम पॉजिटिव होती है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होती है। सर फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म क्या आएगी ऑलवेज टाइम पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना ही फ्रैक्शंस में होती है। ओके अब हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज के बेस पे 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं फार्मूला यूज करूंगा, कौन सा, लास्ट टर्म एन का फार्मूला, और एन का फार्मूला क्या होता है बेटा आप लोगों का, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है आपका क्वेश्चन, ब्लैंक कॉमा 13 कॉमा ब्लैंक कॉमा 3। क्वेश्चन में उनको बोला जाता है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी। ये जो गिवन सीरीज दे रहे हैं, ये गिवन सीरीज की टर्म है, कितनी टर्म है, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर। फर्स्ट टर्म ए वन ए टू, थर्ड टर्म ए थ्री एंड लास्ट टर्म ए फोर। बट ये भी बोलना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपके किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में। अब एपी के फॉर्म में मतलब क्या हो गया, किसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बट हमको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कि इसकी मिसिंग टर्म फाइंड करना। अब कौन कौन सी मिसिंग टर्म है, देखो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है बेटा हमारी, फर्स्ट टर्म होती है ए वन, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए थ्री, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ए फोर हो जाएगी। मीन्स क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास ए टू गिवन है एंड क्या गिवन है आपके पास, ए फोर गिवन है। बट हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए वन, ए वन में तब ए वन मतलब होता है सर ए, ए वन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते ना, और थर्ड टर्म कौन सी निकालना हमको, ए थ्री निकालना। लेकिन सर कोई सी भी टर्म निकालना हो, आपके पास फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी का होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो आप क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है इसी का हम यूज करते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा, सेकेंड टर्म ए टू गिवन है, फोर्थ टर्म ए थ्री गिवन है, सॉरी ए फोर गिवन है। तो देखो फर्स्ट सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है ए टू इज इक्वल टू कितना है, 13 है, एंड क्या गिवन है आप लोगों के पास, फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू 3। ये दोनों टर्म हमारे पास गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं सर, यदि हम ए टू को सेटअप करना चाहें तो ए टू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा ए टू को, तो ए टू को हम लिख सकते हैं सर ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। एंड सर ये ए फोर को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सर ए फोर को हमने लिख दिया ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 3। ओके ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने फर्स्ट को फर्स्ट दे दिया और नेक्स्ट वाली को क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, ए और डी लाना है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 3। नेक्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब माइनस करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये फर्स्ट वाला सिंबल माइनस, सेकंड वाला भी कितना हो गया माइनस हो जाएगा, और लास्ट वाला भी कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव आपकी कैंसिल हो जाएगी, और नेक्स्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा 3d माइनस डी, तो कितना बचेगा 2d, बट पॉजिटिव बचेगा। ओके इज इक्वल टू 13 में से 3 माइनस होंगे तो 10 बचेंगे, बट 10 कैसे बचेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का सिंबल नेगेटिव, जो बाद में सिंबल लगाते हैं इसी सिंबल का यूज करते हैं।
तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला 2 डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, -5 मतलब नेगेटिव आ गया। देखो मैंने अभी आपको क्लियर किया था ना, कॉमन डिफरेंट d नेगेटिव भी हो सकता है, तो कॉमन डिफरेंट d कितना आ गया, -5 आ गया। ओके, बट सर हमको फर्स्ट टर्म a1 भी लाना है, तो सर a कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो हम कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। कहाँ पुटअप कर दें सर? कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे a+d इज इक्वलेंट टू 13 के अंदर कॉमन डिफरेंट d वाला, यदि हम -5 पुट कर दें तो इज इक्वलेंट टू 13, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? a की वैल्यू हम लोगों के पास 18 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि -5 कहाँ चले आएगा, प्लस में चले आएगा, तो फर्स्ट टर्म a1 कितनी आ जाएगी आपके पास, 18 आ जाएगी। ओके, देखो अब हमको निकालना क्या है सर? फर्स्ट टर्म a1 निकालना है। a1 मतलब सर a होता है, a1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से रिप्रेजेंट करते हैं, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, तो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट ही आ गई। बट सर सेकंड टर्म, सर सेकंड टर्म कौन सी फाइंड करना थी हमको? a3 निकालना है। तो सर a3 कैसे फाइंड करेंगे? तो a3 इज इक्वलेंट टू हमको फाइंड करना है ना। ओके, तो सर a3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो a3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया a+2d से। ओके, a3 इज इक्वलेंट टू a की प्लेस पे पुट अप कर दे, कितना पुट अप कर दे हम, 18, तो a की प्लेस पे पुट अप कर दिया हमने 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d की प्लेस पे कितना पुट कर दें, तो d की प्लेस पे पुट अप कर दिया अपन ने -5, तो ये हो जाएगा -5। कितना हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म करो, a3 इक्वलेंट टू 18 प्लस माइनस माइनस, तो 5 टू हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, 8 आ जाएगी। तो देखो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म a1 भी फाइंड कर दी और थर्ड टर्म a3 भी फाइंड कर दी। थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा आपका, पॉजिटिव 8 आ जाएगा। ओके, आ रहे ना क्वेश्चन समझ में? एपी सीरीज के मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप पे? देखो अब हम 5.2 का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आप लोग बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी, मैं उसी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है? तो मैंने क्वेश्चन देखा, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8। क्या क्वेश्चन है आपका? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी सीरीज है और उसी एपी सीरीज की थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? a3 से। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आप, नाइन्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? नाइन्थ टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? a9 से। और दोनों की दोनों टर्म आपके पास गिवन है, कितनी है? थर्ड टर्म गिवन है आपके पास 4, एंड सेकेंड नाइन्थ टर्म आप लोगों के पास गिवन है -8 गिवन है। बट सर क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, ये तो अभी गिवन ही चल रहा है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्वेश्चन क्या हमारा आप है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब इसमें इस एपी सीरीज में कौन सी टर्म यहाँ पे 0 आएगी, मतलब कौन सी टर्म 0 बनेगी, हमको ये फाइंड करके बताना है। जिसके अंदर क्या दे रहे हैं? तो सर हमको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके अंदर हमको थर्ड टर्म गिवन दे रहे हैं कितनी, 4, एंड हम लोगों के पास गिवन है नाइन्थ टर्म जिसको मैंने a9 से रिप्रेजेंट कर दिया, और मेरे पास वो गिवन है -8 गिवन है। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये बोल रहे हैं आप कि सर इस एपी सीरीज, अभी एपी सीरीज नहीं दिख रही ना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये एपी के ही क्वेश्चंस दे रहा है, ये जो है ना ये एपी की ही टर्म है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, एपी सीरीज की कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि सर कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमने लेट कर लिया कि एपी सीरीज की सबसे लास्ट टर्म, और सबसे लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं, यही है ना, सबसे लास्ट टर्म को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि सबसे लास्ट टर्म वाली क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन सर आपने ये भी बोला कि सर फर्स्ट टर्म ए और डी तो होना जरूरी है, चलो हम निकाल के लाते हैं। कहाँ से ले आए बेटा? a3 और a9 से ले आए। कैसे ले आते हैं? तो सर a3 को आप रिप्रेजेंट कर दो, क्या रिप्रेजेंट कर दो, a+2d। ओके, इज इक्वलेंट टू कितना, 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। सर सेकंड a9 को क्या लिख दें हम, तो a9 को लिख दिया a+8d इज इक्वलेंट टू कितना, -8, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका a+8d इज इक्वलेंट टू -8, सेकंड सब्ट्रैक्ट किसको करना है, a+2d को, इज इक्वलेंट टू कितना हो गया, 4 हो गया, तो माइनस सिंबल लगा दो, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, कौन सी फर्स्ट टर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 8d में से 2d माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 6d बचेगा, बट पॉजिटिव,
एंड नेक्स्ट माइनस एट और माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, माइनस टू आ जाएगी। तो ये कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया आपके पास, माइनस टू आ गया। ओके अब क्या करते हैं सर, कॉमन डिफरेंस डी तो लेके आ गए आप, बट सेकेंड क्या फाइंड करना है सर हमको, फर्स्ट टर्म ए भी होना, फर्स्ट टर्म ए कैसे निकालेंगे, इसी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बेटा हमारी, ए प्लस टू डी इज इक्वल इन टू फोर, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रखो तो ये हो गया ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी कितना रख दूँ, माइनस टू, तो माइनस टू और टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू टू से कितना हो गया फोर, तो ये कितना हो गया माइनस फोर इक्वल इन टू फोर। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस फोर को ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव एट हो जाएगा। ओके अब क्या कर दें सर, हमको ये निकालना है कि कौन सी टर्म जीरो होगी। तो हमने क्या लेट किया था कि सबसे लास्ट टर्म जीरो होगी, तो हमने ए एन का ही फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए एन का आपका फॉर्मूला होता है कितना सर, ए एन इज इक्वल टू आपके पास जीरो है, यही लेट किया ना आपने कि सबसे लास्ट वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। अब ए एन का फॉर्मूला लिख दो, कितना होता है ए एन का फॉर्मूला जल्दी बताओ। तो ए एन का फॉर्मूला हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना। तो लेफ्ट साइड पे हमने एन का फॉर्मूला लिख दिया, एन के नीचे एन का फॉर्मूला इक्वल टू जीरो चल रहा था। जीरो कहाँ से आया, क्योंकि सर हमने लेट किया कि सबसे लास्ट वाली टर्म हम जीरो मान लेते हैं, यदि हुआ तो नंबर ऑफ टर्म निकल आएगी। ओके चलो, तो ए एन डी की वैल्यू रख दो, तो ए की प्लेस पे कितना रख दें, तो सर ए की प्लेस पे आप रख दो एट, तो ये हो गया एट प्लस एन माइनस वन है क्या, नहीं है सर। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो सर कॉमन डिफरेंस माइनस टू है, इक्वल टू कितना जीरो। अब क्या कर दें तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 8, फिर n का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू एन हो जाएगा, और माइनस टू का माइनस वन में करेंगे तो कितना बन गया प्लस टू बन जाएगा इक्वल इन टू जीरो। अब क्या कर दो सर, ये 8 और 2 कितना हो गया, तो सर 8 और 2 हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा इक्वल इन टू जीरो, ये प्लस का 10 ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। मतलब इस एपी सीरीज की कौन सी वाली टर्म सर, फिफ्थ वाली टर्म क्या बनेगी आपकी, जीरो बनेगी। हमने क्वेश्चन से फाइंड करके बता दिया, कौन सा फॉर्मूला लगा, सिर्फ n वाला फॉर्मूला लगा। ओके आ रहे ना बेटा क्वेश्चन समझ में, कैसे हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के आप लोगों के पास बुक के अंदर वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं आप, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, देन फाइंड द थ्री टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में हमको गिवन भी है और हमको फाइंड करना है, वो भी आप लोगों को क्लियर है। जैसे कि हमको क्वेश्चन में फाइंड करने को दे रहा है कि आपको एपी सीरीज की थ्री टर्म निकालना है। अब एपी सीरीज की थ्री टर्म कौन कौन ने दी है, तो एपी सीरीज की थ्री टर्म होती है आपकी ए वन ए टू और ए थ्री होती है, बट उनको फाइंड करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी का होना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम सबसे पहले इसका यह देखेंगे कि सर गिवन क्या क्या है। गिवन में हमको बोल रहे हैं कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म क्या होती है, तो सर फोर्थ टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो फोर्थ टर्म को हमने ए फोर से रिप्रेजेंट कर दिया एंड एट्थ टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए एट से, और दोनों का सम दे रहे हैं कितना, तो दोनों का सर सेम दे रहे हैं, इसलिए ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल इन टू 24। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आप, एंड नेक्स्ट टर्म को गिवन दे रहे हैं कि द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, कौन कौन सी टर्म, सिक्स्थ, और सिक्स्थ को रिप्रेजेंट कर देंगे ए सिक्स से, और टेंथ टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे हम ए टेन से, और दोनों का सम कितना हम लोगों के पास 44 है। देन फाइंड द थ्री टर्म ऑफ एन एपी, अब एपी की थ्री टर्म निकाल के बताओ सर, एपी की थ्री टर्म तो बहुत ही ईजी है, कौन कौन सी होती है, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, यही निकालना है, ठीक है ना, थ्री टर्म निकालना, ठीक है सर। अब जो गिवन इसको सॉल्व करो तो सर कितना हो जाएगा, तो सर यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ए फोर और एट को हम अरेंज कर सकते हैं इसके जनरल फॉर्म में, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, तो सर ए फोर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस थ्री डी, एंड सर ए एट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस सेवन डी, ओके इज इक्वल टू 24। तो कुल मिला के ये हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा आपका 2a प्लस 3d और 7d, टोटल कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा इज इक्वल टू 24। यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो तो हम कर सकते हैं, कैसे कर दें सर, यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि 2 से सभी डिविजिबल हो
तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो देखो सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। ओके अब क्या कर दें सर, सेकंड वाली कंडीशंस को सॉल्व करो। सेकंड कंडीशन क्या है, a6 को हम लोगों ने लिख दिया a प्लस 5d प्लस a10 को कितना लिख दें, तो a10 हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। ओके अब देखो a और a कितना हो गया, तो a और a हो जाएगा 2a प्लस 5d एंड 9d टोटली कितना हो गया 14d इक्वलेंट टू 44। ओके अब इसको भी 2 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जा a बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 70 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 22 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और जैसे ही सर 2 इक्वेशंस बनती है तो दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं हम आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो इससे क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंट डी फाइंड हो जाएगा। ओके अब देखो दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 22 एंड नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी आपकी a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना 12। अब सबट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस माइनस और माइनस तीनों सिंबल चेंज हो जाते हैं ना, आपका नेगेटिव हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव है दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, 7d में से 5d जैसे ही माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 2d इक्वल टू 22 में से 12 को माइनस करेंगे कितना हो गया 10 बचेगा। अब तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंट d कितना आ गया आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। ठीक है सर कॉमन डिफरेंट d तो आपके पास 5 आ गया, बट सर आप यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, यस सर हम फर्स्ट टर्म a निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा फर्स्ट टर्म a, सर कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो तो फर्स्ट टर्म a निकल आएगी, यही आएगी ना, तो कॉमन डिफरेंस को रखने के बाद में फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, तो देखो मैंने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए a प्लस 5d इक्वलेंट टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख दूंगा तो कितना हो जाएगा a प्लस 5 रखेंगे d की वैल्यू तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना 12 हो गया, तो सर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा। कहां से, क्योंकि 25 प्लस से माइनस में ट्रांसफर होगा, माइनस करने पर माइनस 13 बनेगा। ओके लेकिन सर क्वेश्चन में क्या निकालना है, a1 a2 a3 ठीक है हम निकाल देते हैं a1 a2 a3 क्या क्या होता है, तो सर a1 को रिप्रेजेंट करते हैं a से और a की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है माइनस 13 सर अभी आपने फाइंड की आ गई। ठीक है चलो हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं कौन सी a2 a2 इज इक्वल टू कितना होता है, तो सर a2 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे a प्लस d से। ओके अब a एंड d की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर दी माइनस 13 प्लस d की वैल्यू रख देंगे 5 तो टोटल कितना बचा सर, टोटल आपके पास बचेगा माइनस का 8। ठीक है ना बेटा चलो नेक्स्ट वाला कौन सा निकालेंगे a3, तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया a की वैल्यू हो गई माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 टू जा कितना हो गया 10 हो गया, तो टोटली थर्ड टर्म a3 कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी। तो देखो ap सीरीज की तीनों टर्म a1 a2 एंड a3 कितनी हो गई हम लोगों के पास, फर्स्ट टर्म माइनस 13 a2 कितना है माइनस 8 और थर्ड टर्म कितनी है माइनस 3, ये हमने क्या कर दिया इस ap सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा अब हमने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर ली, एक्सरसाइज नंबर थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि इसी के बेसिस पे फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है सबसे पहले वो एपी सीरीज में होना चाहिए, यदि क्वेश्चंस में नहीं दे तो हम चेक कर सकते हैं और यदि दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम एक्सरसाइज नंबर थर्ड के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, तो क्वेश्चन देखना आप पे, क्वेश्चन में हमको गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ एन एपी उस एपी सीरीज की टर्म का सम भी हमको गिवन है, कितना गिवन है 400 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एन एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी निकाल के देना है, तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में हमको गिवन इन लोगों ने दे दिया पे कितना हो गया फर्स्ट टर्म ए और फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ए की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 5 है। ठीक है एंड क्या दे रहे क्वेश्चन में लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एन से और उसकी वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 45 है।
ठीक है। लास्ट टर्म को हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लास्ट टर्म को एन बोलो या तो एल बोलो, एल मतलब लास्ट टर्म, एक ही मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना। कभी कभी फॉर्मूले में आ जाए तो ये नहीं हो सकता है कि सर लास्ट टर्म ये होगी या फिर ये होगी, ठीक है ना। चल, और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका सम, और सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर सम का फॉर्मूला एस एन से आता है, और एस एन हम लोगों के पास कितना है 400। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमको नंबर ऑफ टर्म भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी निकालना है, ये दो चीजें हमको फाइंड करके देना है, ठीक है। फर्स्ट ओपन, हम किसको ओपन करें सबसे पहले, सर इन दोनों को सॉल्व करके देखो, सर एस एन का फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, सर हम चेक करके देखते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, हमने एसएन और एन दोनों को ओपन किया, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एसएन को। एसएन का फॉर्मूला होता है कितना, एसएन इज इक्वेलेंट टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला, एन बाय टू ब्रैकेट के अंदर। अब सर रीजन ये है कि फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ओपन करना है या फिर सेकेंड वाला, क्योंकि सर दोनों फार्मूला की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन आपने हमको ये बताया कि यदि ए एन डी गिवन हो तो फार्मूला नंबर फर्स्ट ओपन करते हैं, और यदि सर हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन हो तो लास्ट टर्म की कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला करेंगे, सेकेंड वाला। तो देखो सेकेंड वाला फार्मूला क्या हो गया, एन बाय टू ब्रेकेट के अंदर ए प्लस ए एन, ओके ये रिप्रेजेंट कर दिया। एस एन की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, कितनी लिख दूं बेटा मैं, 400 इक्वल टू एन बाय टू, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, फाइंड करना है, ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी हमके पास 5 है, प्लस ए एन लास्ट टर्म कितनी हमारे पास 45, ठीक है। चल नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं, तो सर नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी ये 2, जो डिवाइड में या तो मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो या फिर अभी नहीं ले जाते, तो हमने लिख दिया n बाय टू मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना हो गया 50 हो जाएगा। 50 को 2 से आप कैंसिल कर दो कितने टाइम, 25 टाइम, ठीक है। और यही वाला 25 मल्टीप्लाई से कहाँ चले आएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 इक्विवेलेंट टू n, और जैसे ही इसको आप 25 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म आप लोगों के पास कितनी आ गई 16 आ जाएंगी, ठीक है बेटा। फर्स्ट टर्म हमने एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर दी, लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालना है, देखिए हमारे पास एस एन तो गिवन था, लेकिन एस एन के साथ साथ ए एन भी गिवन है, जो वैल्यू गिवन है ना उसी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल ही जाती है। एन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एन का फॉर्मूला कितना हो गया, ए एन इज इक्वेलेंट टू कितना हो जाएगा सर, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है सर। n की जगह n की वैल्यू पुट कर दो, तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दें हम सर, 45 इक्वल टू a की प्लेस पे कितना पुट कर दें सर, a की प्लेस पे हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू है क्या, यस सर अभी तो निकाली आपने, कितनी है 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d है क्या, नहीं है, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 45 इक्वल टू 5 प्लस, इसको कितना लिख सकते हैं हम 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 माइनस 1 15 होता है। ये प्लस का 5 कहाँ चला गया, माइनस में, तो 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 40 इक्वल टू 15 डी, ये 15 मल्टीप्लिकेशन से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो करना है, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन डिफरेंस देखो अभी नेगेटिव देखा था ना, अब कॉमन डिफरेंस किस में आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमारी नंबर ऑफ टर्म क्या आना चाहिए ऑलवेज टाइम पॉजिटिव आना चाहिए, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 289। दे रहे दो क्वेश्चंस गिवन हमारे पास, दो कंडीशंस गिवन है कि 7 टर्म का सम हमारे पास गिवन है 49 एंड 17 टर्म का सम कितना गिवन है बेटा हमारे पास 289। देन फाइंड द, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, हमको क्या करना है फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है, ठीक है। देखो हम क्लियर करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 7 टर्म का सम, और सर सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एस एन वाला फॉर्मूला। लेकिन सर हमको कितनी टर्म का सम बोला यहाँ पे, 7 टर्म का टर्म, तो 7 टर्म का सम है इसलिए 7 टर्म के सम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस 7 से, और एस 7 की वैल्यू कितनी है, तो सर एस 7 की वैल्यू हमारे पास 49 एंड गिवन कितना है सर 17 टर्म का सम, और 17 टर्म के सम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस 17 से, और एस 17 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 289। देन
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। हमको सम किसका निकालना है, एन टर्म का सम निकालना है। और एन टर्म का सम किससे निकालते हैं, एस एन से, मीन्स एस एन की हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये दो वैल्यू गिवन है, थर्ड वाली वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो जो वैल्यू गिवन है उसी को ओपन कर दें। कैसे ओपन करते हैं, तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है बेटा हमारे पास, S7 कितना हमारे पास 49। तो देखो हमने लिखा A7 इज इक्वेलेंट टू 49। अब फॉर्मूला पुट अप कर देंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे S7 की वैल्यू किससे कंपेयर करो, SN से कंपेयर करेंगे। तो देखो N की वैल्यू तो हमको डायरेक्ट मिल गई, कितनी मिल गई N की वैल्यू, सर N की वैल्यू 7 है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है SN का, SN का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1D, यही होता है ना। बट जहां जहां एन दिखेगा वहां पे हमको 7 पुट करना है, बाकी ए और डी आपके पास गिवन नहीं है। तो इधर लेफ्ट साइड पे मैंने फॉर्मूला रख दिया, तो ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट कितना हो गया 2A प्लस ब्रैकेट हो जाएगा 7-1D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वलेंट टू कितना 49। ये मैंने लिख दिया, कहां से लिखा सर, एन की प्लेस पे 7 लिखा, बाकी सब फॉर्मूला एज इट इज रख दिया और इक्वल में 49 तो क्वेश्चन में गिवन, ठीक है ना। अब क्या कर दें, सर ये जो डिवाइड वाला 2 है ना ये मल्टीप्लाई में चला आएगा, और मल्टीप्लाई वाला 7 कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a प्लस सर 7-1 कितना हो गया 6d इक्वलेंट टू, ये हो गया 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 7। ओके ठीक है ना, 2 को ट्रांसफर कर दिया, 7 को ट्रांसफर, तो 7 की टेबल में कैंसिल हो गया ये 7 टाइम, तो ये रिमेनिंग बचेगा 2a प्लस 6d इज इक्वलेंट टू 7 to the 14 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 3d इज इक्वलेंट टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट बन गए ना इक्वेशन। देखो जो भी कंडीशन गिवन है उससे इक्वेशन बन जाती है। सेकंड क्या है, सेकंड इसमें भी ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सर हमारे पास गिवन है S17, कितना गिवन है 289। सर फॉर्मूला सेटअप करो तो कितना हो जाएगा, तो सर ये फॉर्मूला सेटअप करेंगे तो ये बन जाएगा 17/2 ब्रेकेट 2a प्लस N-1, तो ये कितना बन गया 17-1d, और इक्वल में कितना चल रहा है 289 चल रहा है। अब वापस से ट्रांसफर कर दो, तो 2 और 17 को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा इनर पार्ट में, तो 2a प्लस कितना हो गया 16d बन गया इक्वलेंट टू 289 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 17। ओके चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा हमारे पास, तो देखो 17 की टेबल में कैंसिल हो गया ये 17 टाइम, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 16d इज इक्वलेंट टू 17 to the 34। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया a प्लस 8d इज इक्वलेंट टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस d निकल आएगा। कॉमन डिफरेंस d निकाले देखो कितना आ गया, तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो कितना बन गया सर, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3d a प्लस 8d इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू कितना 7, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये बचेगा फर्स्ट वाला कैंसल, 8d में से 3d जाएंगे तो 5d इक्वल टू कितना 10 बचेगा। तो सर d की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन डिफरेंट d हो जाएगा हम लोगों के पास 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब सर a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू कैसे निकालें, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि मैं d की वैल्यू रखना चाहूँ 2, तो कितना हो जाएगा सर, d की प्लेस पे यदि आप 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, और प्लस वाले 6 कहाँ चले आएगा माइनस में, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस के बाद में फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 1 हो जाएगी। ये मैंने डायरेक्ट निकाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया, तो सर वैल्यू पुट अप करना भी हमको आता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी, 3 2 जा 6, 6 को हमने ट्रांसफर कर लिया, तो फर्स्ट टर्म ए कितनी आ गई 1 आ गई। बट अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एस एन का फॉर्मूला, एस एन की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सर एस एन की वैल्यू निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है कितना, एस एन का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रेकेट कितना हो गया 2a प्लस N-1d, फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक है सर। सर सेकेंड वाला क्यों नहीं लगाया, सेकेंड तब लगाना है जब आपके पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो, अदरवाइज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाना। एस एन इक्वल टू n की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो N/2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर a की वैल्यू 1 रख दी, प्लस N-1 है क्या, नहीं है, तो N-1 कॉमन डिफरेंट d कितना आ गया, तो कॉमन डिफरेंट d हमारे पास आ गया 2 आ जाएगा।
ठीक है। चलो एस एन इक्वल टू कितना हो गया एन बाय टू, ब्रैकेट के अंदर कितना बन गया टू वन जा टू, टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टू एन माइनस टू। अब यहाँ पे क्या कर दें प्लस टू माइनस टू हो जाएगा कैंसल, तो एस एन इक्वल टू कितना एन बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू एन, ये टू से टू वापस कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा है एन मल्टीप्लाई बाय एन, और एन इन टू एन क्या हो जाएगा एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास एन स्क्वायर आ गए। ओके बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ना, पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर थर्ड के कंप्लीट कर ली। अब रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास डाउट है। अब हम इस एनसीईआरटी बुक से थोड़े रिफरेंस बुक थोड़े बाहर से एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चंस भी क्या है एग्जाम में आते रहते हैं और इस एनसीईआरटी के भी एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे फर्स्ट मैं सभी को सजेशन देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि सबसे फर्स्ट आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज पढ़ना है, इसके बाद में एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ना है, उसके बाद में किसी अदर बुक का यूज़ करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो अब मैं और क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को। देखो अब हम क्वेश्चंस करते हैं आप इसी एपी सीरीज का, मैंने क्वेश्चन ले लिया तो क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अदर बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्या है क्वेश्चन कि इफ द एंथ टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाय एन एंड द एंथ टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाय एम देन सो देट एम एंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज वन। क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर टू टर्म भी आपके पास गिवन है एंड थर्ड टर्म के लिए आपको शो करने के लिए दे रहा है पे कि इस ए पी सीरीज की एम एंथ टर्म जो होगी वो वन के इक्वल आ जाए। कैसे हो जाए तो देखो हमको पहले क्वेश्चन में गिवन है कि द एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी, ए पी सीरीज की एम्थ टर्म दे रहा है पे, ठीक है। सम नहीं दे रहा है, सम देता है तो हम एस एम लिखते हैं, लेकिन सर एंथ टर्म है इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया ए एम से रिप्रेजेंट कर दिया। और कितना है सर ए एम की वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है वन बाय एन, एंड क्या गिवन दे रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन दे रहे हैं एंथ टर्म और एंथ टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए एन से, और ए एन की वैल्यू कितनी है तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे वन बाय एम, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, एंथ टर्म एन दी है और एंथ टर्म एम मतलब अपोजिट दिया है। Then find the mnth term, हमको find क्या करना है, find करने को दे रहा है पे AP सीरीज की mnth term, mnth term को क्या लिख देंगे यहाँ पे a m n, और ये a m n किसके इक्वल हो जाए वन के इक्वल, ये हमको show करके बताना है, ठीक है हमको show करके बताना है। तो मैं लिख देता हूँ पे so that, क्या लिख दें हम so that mnth term is वन, ओके। चलो तो अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इसी कंडीशन को सबसे फर्स्ट हम ओपन करेंगे, तो कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है एम का फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे एन का फॉर्मूला होता है तो वहां पे ए एम रख देंगे, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा तो सर ए एम का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस ब्रेकेट एम माइनस वन डी, जहां जहां आपके पास एन था तो वहां पे कितना पुट कर दिया बेटा हमने एम रख दिया, ओके। इक्वल टू कितना है वन बाय एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं किसको ए एन को, एन का क्या फॉर्मूला वन बाय एन, तो ए एन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे रिप्रेजेंट कर दें तो एन को हमने लिख दिया ए प्लस ब्रैकेट कितना हो जाएगा एन माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना वन बाय एम। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो आप माइनस कर लो, ठीक है ना, मैंने वही ओपन किया ए एम और ए एन को ओपन कर लिया इक्वल टू वन बाय एन और वन बाय एम था। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए वाली कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म रिमेनिंग कितना बचेगा तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस ए सॉरी एम माइनस वन डी, माइनस कितना बचा एन माइनस वन डी इक्वल टू फर्स्ट टर्म वन बाय एन माइनस सेकेंड टर्म वन बाय एम, ठीक है बेटा ये हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमने ये भी देखा है सर आपने हमको ये बताया था कि जब भी टू इक्वेशंस को सॉल्व करते तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आता है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों के पास से मैंने कॉमन डिफरेंस डी को कॉमन ले लिया तो कितना बचा हमारे पास एम माइनस वन, फर्स्ट वाला तो सेम ही आ गया एम माइनस वन, लेकिन यहाँ पे मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ, तो देखो ये बन जाएगा माइनस का एन प्लस का क्या बन गया वन बन गया, कॉमन डिफरेंस डी क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया एलसीएम आ जाएगा हमारे पास एम एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा एम माइनस एन बन गया,
ठीक है ना। देखो ये माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो ये रिमेनिंग कितना बचा है, एम माइनस एन, ये d इज इक्वल टू एम माइनस एन डिवाइडेड बाय एम एन। ये m माइनस एन से m माइनस एन भी कैंसिल हो गया, तो कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय एम एन आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंट d निकला है हमारे पास, कितना आ गया, 1 बाय एम एन आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है सर, कॉमन डिफरेंट d आ जाए तो आपको फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म a निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म a नहीं होगी तो सर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टर्म ए कैसे निकालते हैं सर, जो कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि आप कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू रखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, इस कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट में पुट कर दी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ए प्लस कितनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख रहा हूँ। तो सुनना बेटा ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना, 1 बाय एन, यही है ना। अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिफरेंट डी की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस ब्रेकेट एम माइनस वन और मल्टीप्लीकेशन बाय डी की वैल्यू कितनी रख दें, 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या कर दें, नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस, देखो ट्रांसफर नहीं करना, ऐसा नहीं डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसके साथ ए भी है, ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करना। तो 1 बाय एम का हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले एम में करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बाय एम एन बन जाएगा, माइनस 1 बाय एम एन का 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय एम एन हो जाएगा इक्वल टू कितना, 1 बाय एन हो गया, ठीक है ना। 1 बाय एम एन का हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ए प्लस ये m से m हो गया कैंसिल, तो रिमेनिंग बचा है 1 बाय एन माइनस का 1 बाय एम एन इक्वल टू कितना, 1 बाय एन। फिर क्या हो गया, ये 1 बाय एन से 1 बाय एन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों की दोनों आपकी सेम टर्म है 1 बाय एन, और दोनों आपकी पॉजिटिव, या तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में जाएगी तो भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल कब करना है, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं कैंसिल करना है, जब दोनों इक्वल में हो और दोनों सेम सिम्बॉल में सेम साइन में, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हो तो कैंसिल हो गए। अब क्या कर दें, रिमेनिंग बचा है 1 माइनस 1 बाय एम एन इक्वल टू 0, यही बचा है ना। ये माइनस की टर्म कहाँ चले आएगी, प्लस में, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय कितना, एम एन आ गया। फर्स्ट टर्म भी सेम आया, कॉमन डिफरेंट डी भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमको सो क्या करके बताना है कि सर जो एमएनथ टर्म होगी वो एमएनथ टर्म किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल। तो देखो इस एमएनथ टर्म की मैं एलएचएस वाला पार्ट ले रहा हूं, तो एलएचएस वाला पार्ट में किसके इक्वल बता दूंगा, पे आरएचएस के इक्वल। क्या है LHS? तो सर हम लोगों के पास LHS है A M N इज इक्वल टू कितना बन गया, तो सर इसका फॉर्मूला यदि हम लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस ब्रैकेट के अंदर M N माइनस 1 D। सर ऐसा क्यों बना ये क्वेश्चन, क्योंकि सर यहाँ पे N का फॉर्मूला लगाते हैं, तो N का लगाते हैं तो क्या बनता है, A प्लस N माइनस 1 D, M का लगाते हैं तो M माइनस 1 D, और सर यदि M N हो तो M N है तो क्या बन जाएगा, M N माइनस 1 D। सिर्फ चेंज करना है आपको, ठीक है ना। चलो तो ये A M N इक्वल टू कितना हो गया, तो a m n इक्वल टू a की वैल्यू कितनी रख दूं, सर a की वैल्यू रख दो 1 बाय m n, तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाय m n प्लस ब्रैकेट के अंदर m n माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी रख दें हम, 1 डिवाइडेड बाय m n रख दें। वापस से क्या कर दो आप, 1 बाय एम एन का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो 1 बाय एम एन का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, एम एन में 1 बाय एम एन का करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम एन बाय एम एन माइनस 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय एम एन बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ये पॉजिटिव 1 बाय एम एन और ये नेगेटिव 1 बाय एम एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे एम एन से भी एम एन कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 1 टाइम, तो ए एम एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहाँ पे, 1 के इक्वल। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि क्वेश्चन में समझ में आया हो तो एक और इसी पैटर्न का मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आप पे, जो कि क्वेश्चंस आपको दिखने को लेंदी दिख रहे हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए अब ये क्वेश्चंस क्या आप है, इफ एम टाइम्स द एम्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द एन टाइम्स द एन्थ टर्म ऑफ एन ए पी, बोलना क्या चाहते हैं, एम्थ टर्म का एन टाइम्स कितना, सर nth टर्म क्या होती है पहले तो ये बताओ। तो AP सीरीज की यदि nth टर्म की बात करें तो सर nth टर्म की बात करें तो ये होता है सर n टाइम, a n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका n टाइम्स, तो इसका n टाइम्स कितना बन जाएगा, n बन जाएगा,
यही वाला इनका मल्टीप्लाई, ये किसके इक्वल है? तो सर ये बोलना चाहते हैं इसी एपी सीरीज की एक और एमथ वाली टर्म है, और एमथ वाली टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एम से। और सर ये जो टर्म है तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा इस टर्म का? सर एम टाइम्स, जो एनथ वाली टर्म है ना उसका एन टाइम्स और एनथ वाली टर्म का एम टाइम्स, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करके क्या बताना है कि m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म मतलब a m प्लस n इज इक्वलेंट टू जीरो, ये हमको प्रूफ करके बताना है कि m प्लस n टर्म का सम किसके इक्वल बन जाए? जीरो के इक्वल बन जाए। अब सर कैसे सॉल्व करें? तो देखो हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है इसी कंडीशंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा n सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा n, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, कौन सा फॉर्मूला ओपन कर दूँ? सर ए एन का, और ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस ब्रैकेट n माइनस वन डी, यही होता है ना, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगा दिया। अब राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा? इक्वल टू m, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस कितना बन जाएगा? m माइनस वन डी, जब a m हो तो m लिखना है और यदि n हो तो n लिखना है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया n, ब्रैकेट के अंदर a प्लस n का अंडर मल्टीप्लाई करो d का, तो d का जैसे ही करोगे तो बन जाएगा nd डी माइनस का d, इक्वल टू ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा m, ब्रैकेट के अंदर कितना बन गया? a प्लस एम डी माइनस डी, यही होगा ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर दें? तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया? n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही n का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल टू, अब m का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस कितना? एम डी, ओके। अब ये राइट साइड वाली जितनी भी टर्म है सभी को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए, ये प्लस का एम ए माइनस में आ गया, तो देखो मैं इक्वेशन को सेटअप करते भी जा रहा हूँ, एन ए के पास एम ए को लिख दिया, ठीक है ना। ये हमने लिखा प्लस कितना? एन स्क्वायर डी, तो एन स्क्वायर डी माइनस का क्या बन गया? एम स्क्वायर डी, वो एम स्क्वायर डी माइनस में आ गया, ठीक है। ये माइनस का एन डी, तो माइनस एन डी, और इधर से एम डी माइनस से प्लस में आएगा तो प्लस का एम डी बनेगा, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या कर दें? सर ये देखो टू टू का पेयर बना लो और सबके पास से कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लें? तो देखो मैंने टू टू का पेयर बनाया तो फर्स्ट स्टेप में से कॉमन आ रहा है ए, तो मैंने इसको लिख दिया एन माइनस एम, ये ए हो गया, फर्स्ट स्टेप में से कॉमन आ गया। सेकंड में से क्या कॉमन ले लेते हैं? तो सर ये बचा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और कॉमन किसको ले लिया? कॉमन डिफरेंस डी को। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? तो सर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो अंदर बचेगा एन माइनस एम, क्योंकि सर सबके पास एन माइनस एम बन रहा है तो इसके पास भी बनना चाहिए, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, और कॉमन क्या ले लिया? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सेटअप करेंगे, तो देखो एन माइनस एम सभी के पास दिख रहा है ना, तो हमने इसको लिख दिया एन माइनस एम, ये आपका ए, प्लस इसको क्या प्रॉपर्टी क्या बन गई आपकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगी? ए माइनस बी ए प्लस बी, यही प्रॉपर्टी होगी ना बेटा, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये आपका डी माइनस एन माइनस एम डी, ओके, इक्वलेंट टू जीरो। अब सबके पास से एन माइनस एम ब्रेकेट कॉमन ले लो, तो एन माइनस एम ब्रेकेट आ गया आपका कॉमन, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो रिमेनिंग बचेगा ए प्लस, कितना बचा? एम प्लस एन डी, यही बचा ना, एक माइनस वाला ब्रेकेट कॉमन चला गया तो प्लस प्लस वाला ब्रेकेट मैंने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, माइनस का कितना बचा है? माइनस का डी इक्वल टू जीरो, यही है ना, ठीक है सर। अब क्या लिखें? तो अब मैंने क्या कर दिया, ये जो टर्म है हमारे पास कितनी एन माइनस ए मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगी तो जीरो बन जाएगी, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में अंदर कितना बचा? ए प्लस, ब्रैकेट के अंदर एम प्लस एन माइनस का वन, और ये डी को मैंने कॉमन ले लिया। कैसे लिखा आपको पता है क्या? देखो ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसके पास से मैंने दोनों के पास से कॉमन डिफरेंट डी को ले लिया कॉमन, तो जैसे कॉमन डिफरेंट डी कॉमन जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगी एम प्लस एन, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब माइनस वन, और डी आपने ले लिया कॉमन, ठीक है, अंडरलाइन की वहां से डी को कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन गया किसका? ए एम प्लस एन का, क्यों? क्योंकि ए एम प्लस एन का यदि फॉर्मूला बनाओगे ना, तो ए एम प्लस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस कितना? एम प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी प्लस में हमने कितना लिख दिया? ए एम प्लस एन लिख दिया, और इक्वल इनटू कितना आ गया? जीरो आ गया। ये हमने क्या कर दिया? क्वेश्चंस को प्रूफ कर दिया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।